साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूँ आपके बीच आज की कोर्ट अपडेट और अग्रिम रणनीति के साथ में। साथियों, आज जो कोर्ट के द्वारा कमेटी गठित की गई थी उनका रिपोर्ट आज कोर्ट को प्राप्त हुई। हालांकि वह रिपोर्ट अभी हमें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। कोर्ट ने जो रिपोर्ट के आधार पे बताया कि तीन प्रश्न कमेटी ने ऐसे उस पे विकल्प दिए हैं या ऐसा उन पे अपनी ओपिनियन दी है जो कि पीएनपी के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उससे इतर है, अलग है। वो तीन प्रश्न है, कैनन क्रेस्मर का एक क्वेश्चन था उस पे विकल्प बदला है कमेटी ने। एक क्वेश्चन था विद्रोह की भावना की अवस्था में पूर्व किशोरावस्था को परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय ने माना था। हम लोगों ने जो आपत्ति की थी, हम लोगों का आपत्ति थी इसमें मध्य किशोरावस्था होना चाहिए और जो कमेटी की रिपोर्ट आई है वो उसने शैशवावस्था को सही माना है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन था शाकाहारी मांसाहारी जो खाद्य श्रृंखला है उसमें सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सा है, तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उसको माना था कि मांसाहारी जो सर्वोच्च उपभोक्ता है और कमेटी ने उसमें बैक्टीरिया जीवाणु को सही विकल्प के रूप में माना है। कुल मिला के तीन क्वेश्चन जो निकल के सामने आए इस पे हमारे तरफ से जयदीप नारायण माथुर साहब क्योंकि कोर्ट में उपस्थित थे, उपेंद्र मिश्रा सर उपस्थित थे, अमित भदौरिया सर, पूरी तरीके से इस तीनों क्वेश्चनों पे चर्चा हुई और कोर्ट को हम लोग सिद्ध करने में कामयाब रहे कि अब जो भी क्वेश्चन बढ़ेगा या जो भी क्वेश्चन अब डिस्टर्ब होगा जिसका भी विकल्प बदलेगा, क्योंकि कई बार विकल्प बदलते रहे हैं, कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन सस्पेक्टेड है, संदेहास्पद है, इन पे ग्रेस मार्क मिलना चाहिए और कोर्ट पूरी तरीके से इससे संतुष्ट दिखी। क्यों ग्रेस मार्क मिलना चाहिए? क्योंकि पूरा का पूरा जो परीक्षा का सिस्टम है, जो परीक्षा जो रिजल्ट की प्रक्रिया है, परीक्षा परिणाम की जो प्रक्रिया है वह प्रभावित होगी। बार बार अंक बदलने से, ग्रेस मार्क देने से वो प्रभावित नहीं होगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ छात्र ऐसे हैं जिनके विकल्प बदलने से वो प्रभावित होते, इस वजह से भी हितकर है छात्रों के हितों को लेकर। तो दोनों पक्षों के हितों को लेकर ग्रेस मार्क ज्यादा न्योचित है या खुद की टिप्पणी, माननीय कोर्ट की टिप्पणी आज की रही। कुल मिला के जो भी अंक मिलेगा वह ग्रेस के रूप में मिलेगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि कमेटी के द्वारा जो और प्रश्न जो हम लोगों की तरफ से पूरे प्रदेश के टेट पीड़ितों की तरफ से सेलेक्ट करके रखे गए थे, उन प्रश्नों पे हम लोगों ने जो बाद में एनालिसिस किया, क्योंकि अभी हमें कमेटी के द्वारा जो साक्ष्य उसमें लगाए गए हैं, उनकी जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने साक्ष्य भी लगाए हैं और क्योंकि अभी हमें रिपोर्ट नहीं मिली है, साक्ष्य देखने को नहीं मिले हैं, साक्ष्य मिलने पे बहुत कुछ अभी होना बाकी है, बहुत बड़ी और बहुत लंबी बहस अभी होना बाकी है। क्योंकि हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि संस्कृत का एक क्वेश्चन हे पिता, वो संबोधन एक वचन संबोधन रूप में उसमें संबोधन चिन्ह लगा होना चाहिए, जबकि इस कमेटी ने उसको सेम वही माना है। तब तक के लिए हम भी उसको वही मान रहे हैं। चूंकि साक्ष्यों में कहीं पर भी किसी भी साक्ष्य में, और साक्ष्य भी ऐसे हो जो एनसीईआरटी के द्वारा प्रमाणित हो, ऐसे साक्ष्यों के आधार पर उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। और हम और आप सभी जानते हैं कि प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं छपती है जिसमें संबोधन चिन्ह न लगा हो। जाहिर सी बात है जब हमें साक्ष्य मिलेगा तो उसमें संबोधन चिन्ह लगा होगा। हमने हमारे विद्वान अधिवक्ता अमित भदौरिया सर से इस विषय में विस्तृत चर्चा की, माथुर साहब से भी हमने इस विषय में डिस्कस की। बात निकल के आई कि साक्ष्य मिलने पे, साक्ष्य जैसे मिलेगा तो हम केवल इसी एक क्वेश्चन के आधार पे हम पूरी की पूरी कमेटी को चैलेंज करने की स्थिति में होंगे। क्योंकि जो साक्ष्य उस कमेटी की तरफ से लगाया हो गया होगा, हम लोगों को पूरा पूरा यकीन है कि उसमें संबोधन चिन्ह लगा होगा और कमेटी ने, जो कि प्रश्न पत्र में संबोधन चिन्ह नहीं लगा है, और कमेटी ने उसको सही मान लिया है। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां होती है, उन्होंने 18 माना। अब कहीं ना कहीं से किससे प्रभावित दिख रहा है या कहना अभी जल्दबाजी होगा, हम और आप सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं छपती है, एनसीईआरटी की कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं छपती है जिसमें 18 बोलियां दी गई हो। बोली 17, 14, 19 और 22 मिलती हैं, क्योंकि अब 18 उसमें दी गई हैं, अभी तक हम 18 मान रहे हैं। कल को जब साक्ष्य मिलेंगे तो उस पर लंबी और सार्थक बहस की जरूरत है और उस बहस के लिए हमारी तरफ से पूरे दमखम के साथ उपेंद्र मिश्रा साहब, अमित भदौरिया सर और सीनियर मोस्ट एडवोकेट जयदीप नारायण माथुर साहब उपस्थित रहेंगे। साथियों, आज की स्थिति और परिस्थिति कुछ ऐसी है कि अभी तीन अंक
ग्रेस के रूप में आप कह सकते हैं कि जहां से हम चले थे वहां से हम 3 कदम आगे बढ़ चुके हैं। हम 0 से हमने जब शुरुआत की थी तो 3 अंक मिल चुके हैं। अभी आउट ऑफ सिलेबस पे डिस्कस होगा, कोर्ट ने बोला है कि अब आउट ऑफ सिलेबस पे बहस करिए। आउट ऑफ सिलेबस पे जो भी आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हम लोगों का है, 1 क्वेश्चन राजीव त्रिपाठी सर का है, टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पे माथुर साहब बहस करेंगे आउट ऑफ सिलेबस गाइडलाइन से इतर कैसे है, गाइडलाइन से अलग कैसे है, और उस आउट ऑफ सिलेबस पे आपको ग्रेस अंक मिलेगा, क्योंकि आज कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए बता दिया कि ग्रेस अंक ही ज्यादा न्यायोचित है। जैसा कि हम शुरू से कहते आ रहे थे, ग्रेस अंक मिलेगा। उसके बाद जो आज कमेटी की रिपोर्ट आई है, इस पे इसमें बहुत कुछ अभी होना बाकी है। बहुत से साथी अभी टीका टिप्पणी या उहा हो की स्थिति में है। मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि किसी का भी कहीं से भी ये अहित नहीं हो रहा है, जिसको कितना भी अंक मिला था उसका कहीं से भी अंक कम नहीं हो रहा है। हाँ, कमेटी के जो साक्ष्य हैं वह कमेटी के साक्ष्य हमें मिलेंगे, उन पे हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद उस कमेटी के साक्ष्य पे हमारी तरफ से रिज्वाइंडर फाइल किया जाएगा, हमारी तरफ से भी उनके साक्ष्य लगाए जाएंगे। यदि हमें लगता है कि कमेटी ने गलत डिसीजन दिया है, यदि हमारे वकीलों को लगेगा कि कमेटी ने गलत फैसला दिया है, तो उस पे हम कहीं ना कहीं इसी बेंच में, इसी कोर्ट में साक्ष्यों के आधार पे अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र होंगे, हमें बहस करने का पूरा अवसर मिलेगा। साथियों, अभी आज हम यह कह सकते हैं कि हमने जहां से जंग शुरू की थी, आज जंग को उस स्थिति में ले आए हैं कि माननीय कोर्ट ने भी आज ये मान लिया कि कहीं ना कहीं परीक्षा के प्रश्न पत्र को बनाने में परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय और उनके एक्सपर्ट कमेटी ने गलतियां की थी, क्योंकि उनकी एक्सपर्ट कमेटी जब जब बैठी तब तब उसके अलग अलग ओपिनियन हुए, जब कोर्ट ने कमेटी बनाई तब उसके अलग ओपिनियन हुए, जो हमने उनके ऊपर आर्गुमेंट किया, साक्ष्य लगाए, उनके अलग विकल्प मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं पे पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली एक कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र ही कटघरे में खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आज हम उस मुकाम पे हैं कि आज हमें जरूरत है कि इन सारी चीजों पे विधिवत तरीके से, सार्थक तरीके से डटे रहने की जरूरत है। आज हम अंतिम पायदान के ऊपर है, आज यहाँ से ही तय होना है कि हमारा और आपका भविष्य कहाँ है और कहाँ तक जाता है। कुछ साथी जो इस 2 अंक से आज संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और कुछ साथी जो कुछ अंकों से रह रहे हैं, उन सभी साथियों से हमारा केवल और केवल एक ही कहना है, केवल एक ही उनके लिए मैसेज है, केवल एक ही संदेश है कि यह रिजल्ट अंतिम नहीं है। ठीक उसी तरीके से अंतिम नहीं है जिस तरीके से परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय ने अपनी मार्कशीट जारी की थी, वह अंतिम नहीं थी। अभी यह भी अंतिम नहीं है, अभी बहुत कुछ होना इसमें शेष है। बहुत कुछ हमारी बहस के ऊपर निर्भर करेगा, बहुत कुछ हमारे साक्ष्यों के ऊपर निर्भर करेगा, और बहुत कुछ परीक्षा नियामक प्राधिकरण कार्यालय की उस मानसिकता के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वह आगे परीक्षा कराना चाह रहे हैं या इस भर्ती को अटकाना चाह रहे हैं। क्योंकि अब हम कहीं ना कहीं आज बराबरी के स्तर पर पहुंच गए हैं, आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि एक तरफ हम हैं, एक तरफ वो हैं। आज आप आइए, यदि आप परीक्षा कराना चाह रहे हैं तो सीधे सीधे हमसे वार्ता करिए और परीक्षा कराइए। यदि परीक्षा नहीं करवाना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज वह स्थिति भी उत्पन्न हो गई है कि परीक्षा कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होकर परीक्षा भी जा सकती है। इशारों में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। कुल मिला के जो आज की कमेटी की रिपोर्ट आई है, उस पे बहुत कुछ हम और हमारे जो एडवोकेट का पैनल है वो साक्ष्यों को देखने के बाद ही उस पे हम अग्रिम रणनीति बनाएंगे, क्योंकि बिना उनके सबूतों को देखे हुए कोई बात कहना हवा हवाई होगी। हमें पहले यह देखना है कि उन्होंने जो साक्ष्य लगाए हैं वह साक्ष्य कितने मजबूत है, और उनके अकॉर्डिंग जो हम साक्ष्य दे रहे हैं वह साक्ष्य कितने सार्थक। बहस अब साक्ष्यों के आधार पे होगी। बहस जो कमेटी है बनाई गई है, क्या कमेटी कहीं से प्रभावित हुई है? यदि कमेटी के साक्ष्यों में और कमेटी के कथन में कहीं भी अंतर मिलता है तो जाहिर सी बात है कमेटी को किसी ना किसी बाहरी शक्ति ने हो सकता है प्रभावित किया हो। बहरहाल ये बातें अभी नहीं करनी चाहिए, ये बातें करना अभी जल्दबाजी है। कुल मिला के लड़ाई अभी शेष है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आज जंग के अंतिम मुकाम पे, अंतिम पायदान पे हैं, और बराबर लगातार हम सार्थक और मेहनत कर रहे हैं, बराबर लगातार सार्थक परिणाम के साथ में आपको है।
बहुत से लोग जो टीका टिप्पणी करते थे कि रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिजल्ट में परिवर्तन पे परिवर्तन हो रहा है, परीक्षा रुकी हुई पड़ी है केवल इसलिए कि आपके इंतजार में वो ट्रेन रुकी हुई पड़ी है कि कब आप ट्रेन में बैठोगे और तब वो ट्रेन चलेगी। मेरा आपसे एक ही कमिटमेंट है, एक ही वादा है कि 68,500 की ट्रेन तब ही चलेगी जब आपका आवेदन रूपी टिकट उसमें बुक होगा और आपकी सीट अलॉट होगी, उसके बाद ही 68,500 की ट्रेन चलेगी, नहीं तो ट्रेन इसी पटरी पे खड़ी रहेगी और कबाड़ी के हाथों बिकेगी। एक ही वादा है, एक लाइन में है, आप समझ सकते हैं तो समझ जाइए। मैं जहां पर था आज वहीं पे अडिग हूं, अपने वचन पे, अपने वादे पे अडिग हूं। आज हमें जरूरत है कि कल की तैयारी के लिए आज हम किसी भी तरीके से कैसे करके माथुर साहब को अपियर किए हैं, हमें जरूरत है आपके लगातार सहयोग की, हमें जरूरत है माथुर साहब को लगातार कोर्ट में प्रेजेंट रहने के लिए, प्रेजेंट रखने के लिए आपसे आर्थिक रूप से आप उतना सहयोग करिए कि हम माथुर साहब को कोर्ट में खड़ा कर सकें, क्योंकि माथुर साहब वह शख्सियत हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के 4 बार महाधिवक्ता रह चुके हैं। माथुर साहब वह शख्सियत हैं जो कोर्ट रूम, कोर्ट की लॉबी में गुजरते हैं तो मैंने खुद देखा है, जो भी लोग वहां पे जाते हैं, जितने भी वकील होते हैं वो रास्ता छोड़ के सलाम ठोकते हैं। माथुर साहब वह शख्सियत हैं जब वो कोर्ट में होते हैं तो उनसे माननीय कोर्ट भी सम्मान के साथ बात करती है। माथुर साहब वह शख्सियत हैं जब वो कोर्ट में होते हैं तो महाधिवक्ता भी उनके साथ सम्मान से बात करते हैं। माथुर साहब वह शख्सियत हैं जब वो कोर्ट में होते हैं तो जितने भी वकील होते हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। माथुर साहब वह शख्सियत है, माथुर साहब वह इंसान है कि वो हंसते हंसते गंभीर से गंभीर बात को रख देते हैं और कोर्ट से मनवा भी लेते हैं, हमने खुद ही देखा है। साथियों, कल का दिन हम लोगों के लिए है, कल का दिन पूरा का पूरा समय हम लोगों को मिला है। माथुर साहब, उपेंद्र मिश्रा साहब, अमित भदौरिया सर कल बहस करेंगे, बहस के हमारे मुद्दे होंगे, जो कमेटी की ओपिनियन है, जो कमेटी के साक्ष्य है, उन साक्ष्यों के आधार पे हमें एक मौका मिलेगा, हम समय मांगेंगे कि इस कमेटी के जो साक्ष्य हैं उनके आधार पे हम रिजॉइंडर लगाएं। हमें जो आउट ऑफ सिलेबस है वो आउट ऑफ सिलेबस सिद्ध करना है, जैसा कि माथुर साहब उसको कह ही चुके हैं, आउट ऑफ सिलेबस 5 क्वेश्चन है जो कि आपको ग्रेस के रूप में मिलेगा, आज कोर्ट ने जो टिप्पणी कर दी। साथियों, इस प्रकार से 5-3-8 पर आज आप मजबूत हो। अगर कैनन क्रेस्मर को कुछ लोग मान रहे हैं, कैनन क्रेस्मर हमें पहले से ही मिल चुका था, तो उनको हम बता दें कि कैनन क्रेस्मर पहले से नहीं मिला था, कैनन क्रेस्मर तब मिला था जब एडवोकेट अमित भदौरिया ने कोड नंबर 19 में माननीय चौधरी साहब की बेंच में कैनन क्रेस्मर को बुलंद आवाज में चैलेंज किया था और उनके उनके जो अधिवक्ता थे उन्होंने कैनन क्रेस्मर को पीएनपी से पूछा था कि यह सस्पेक्टेड है और उसके बाद तीसरी आंसर की जारी की थी। तो कैनन क्रेस्मर भी हमारे ही प्रयासों का नतीजा है, अगर वो स्टार मिला है तो टीम रिजवान अंसारी के प्रयासों का ही नतीजा है। कुल मिला के 8 क्वेश्चन आज ऐसी स्थिति में है जो आपके ग्रेस लगभग आप कह सकते हैं कि माथुर साहब की बहस के बाद हो ही जाएंगे। बाकी के जो बचे क्वेश्चन हैं जो आपको भी लग रहे होंगे, चाहे वो हिंदी बोली हो, चाहे वो हे पिता हो, चाहे वो दा धातु हो, चाहे वो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान हो और चाहे वो यूवी रेज या WWF हो, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके लिए हमारे पास अकाट्य साक्ष्य, अकाट्य किताबें हैं, NCERT और कई यूनिवर्सिटी की प्रमाणित नोट्स हैं। तो इन सारी चीजों पे जब माथुर साहब जैसे सीनियर मोस्ट एडवोकेट बात रखेंगे तो जाहिर सी बात है नतीजा और परिणाम क्या होगा ये आप जान सकते हैं। दाना दाना जोड़ के ही राशि बनती है, एक कहावत है देहात के अंदर, तो हम दाना जोड़ रहे हैं, आज 3 कल 5 उसके बाद बाकी का बचा। तो कुल मिला के अभी आवश्यकता है हमें कि हम किस प्रकार से माथुर साहब को कोर्ट रूम तक खड़ा कर सकें, क्योंकि आज जिस कंडीशन में हम लोगों ने माथुर साहब को खड़ा किया है, जिस कंडीशन में हाथ पैर जोड़ के लाए हैं, उनका कुछ शेष बकाया हम लोगों के द्वारा दिया गया है, अभी हमारे ऊपर ड्यू पे ड्यू बढ़ता हुआ चला जा रहा है, या हमारे और हमारे विद्वान अधिवक्ता अमित भदौरिया सर की गुडविल है कि माथुर साहब उसके बावजूद भी कोर्ट में हैं, कल भी कोर्ट में रहेंगे, ऐसा हम लोगों का प्रयास है, आज से ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपके हिस्से का काम अभी बाकी है, आपके हिस्से की जिम्मेदारी अभी बाकी है, आप अपना सहयोग करिए। आप जो भी हम कर रहे हैं, जो आपको परिणाम दिख रहा है लगातार हर डेट पे कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके सहयोग की बदौलत दिख रहा है। यदि आपका सहयोग ही नहीं होगा तो हम कैसे वकीलों को खड़ा कर पाएंगे, और जो हम मिशन लेके चल रहे हैं या जो हमने टारगेट और लक्ष्य बना रखा है 14 अंक ग्रेस का, उस लक्ष्य तक हम कैसे और कहां पर पहुंचेंगे। साथियों, आज टीम को बहुत अधिक आवश्यकता है आपके सहारे और आपके संबल की, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। आज आप याद करिए कि आप जिस दिन फेल हुए थे
उस दिन में और आज में अंतर यह है कि बहुत से साथी जो 28,222 के 103 लोग थे उसमें मैक्सिमम जो साथी थे वो 1, 2, 3, 4 अंकों से थे, उसमें मैक्सिमम साथी आज पास हो चुके हैं इन 3 अंक की वजह से। और जो हमारी अन्य याचिकाओं में जो याची थे वो जो आउट ऑफ सिलेबस है या और कुछ है, जो और क्वेश्चन है कमेटी के द्वारा जो हम लोग आपत्ति करने वाले हैं उनकी वजह से वो साथी भी पास होंगे, ऐसा मेरा अपना और हमारी टीम का मानना है। हम आपसे केवल और केवल एक कमिटमेंट करना चाहते हैं कि जीतने तक लड़ूंगा, जीतने तक साथ रहूंगा, जितने तक संघर्ष करने को तैयार हूं। और रिजवान अंसारी उस शख्स का नाम है, हमारी टीम वो शख्सियत है, हमारी टीम वो कमांडो सेना है कि उसने आज तक जो कहा है वो किया है। हवा में बातें करना हमारी फितरत नहीं है, हम अगर आज इतने जोशो खरोश के साथ बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम कहीं ना कहीं बेहद मजबूत हैं। साथियों आप जग जाइए, अभी भी आपका सुनहरा भविष्य, वो सुनहरा किला 68,500 भर्ती का आपका इंतजार कर रहा है। ट्रेन रुकी हुई है आपके टिकट के इंतजार में, जिस दिन आपका टिकट बुक होगा, आवेदन होगा, उस दिन वो ट्रेन चलेगी, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। बाकी आप समझदार हैं, शेष विस्तार से बाद में। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी, जय हिंद।